और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के चेंबूर से, जहां अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। एक घर में लगे आग की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में एक ही परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मीटर बॉक्स में लगी आग के चलते ये आग फैली और देखते ही देखते तेजी से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक ये मौत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे थे। पूरा बैल्कनी जो था वो लोहे के ग्रिल से ढका हुआ था, जिससे अंदर जाने में भी काफी दिक्कत हुई और जो अंदर मौजूद थे वो भी वक्त रहते बाहर नहीं आ पाए। इस वक्त हम हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में, चेंबूर के सिद्धार्थ नगर कॉलोनी में। ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, इस घर में आज सुबह करीब 5 बजे के दरमियान आग लग गई। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर मीटर बॉक्स से हुई थी। कई और वायरिंग जो है वो भी इस आग की चपेट में आ गए। धीरे धीरे ये आग जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपरी मंजिल पर फैलने लग गई। महज कुछ ही पलों में पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त इस घर में 2 परिवार रह रहे थे, इसमें कुल 9 सदस्य थे। ये सभी 9 सदस्य इस आग की चपेट में आ गए। चूंकि काफ़ी कम समय में आग जो है बड़ी तेज़ी से ऊपरी मंजिल तक पहुंची, इस वजह से इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बाहर नहीं आ सके। अगर आप इस पूरे घर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किराने की दुकान थी। इस किराने की दुकान का जो मुख्य शटर है उसके ठीक बगल में आपको एक छोटा सा एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इसी से रास्ते से एक सीढ़ी जो है वो पहली मंजिल पर जाती है और पहली मंजिल पर एक सीढ़ी है जिससे ऊपरी मंजिल पर जाते हैं। जब आग लगी तब ये घर लगभग सभी तरफ से पैक था। इस वजह से आग लगने के बाद उस समय जो लोग इस घर में मौजूद थे वो बाहर नहीं निकल पाए।